श्री सुशील कुमार, जिला पूर्वी चंपारण, विषय मनोविज्ञान। 2011 में लोकप्रिय टीवी शो में कौन बनेगा करोड़पति में 5 लाख रुपए की राशि आपने जीती है और बिहार का गौरव बढ़ाया। विषय है इतिहास। इन्होंने इतिहास विषय में इग्नू से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। श्री सत्य प्रकाश किशन। नमस्कार, मेरा प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फिर से इतिहास रच दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। शिक्षा विभाग में लगभग 1 लाख वैकेंसियां आई और उस पर आज नियुक्ति पत्र छात्रों को, छात्राओं को, चयनित अभ्यर्थियों को नीतीश कुमार ने दिया है, तेजस्वी यादव ने दिया है। जरा पहले पूरी वीडियो देखिए। केबीसी के विजेता रहे, 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार ने भी नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र लिया। जरा वीडियो देखिए। पूर्वी चंपारण, विषय राजनीति शास्त्र। आप झारखंड के निवासी हैं और justdial.com में एरिया सेल्स मैनेजर के रूप में कार्य कर रही थी, वहां से शिक्षिका के रूप में आपने योगदान दिया है। अमृता टूडू, पटना, विषय विज्ञान। इन्होंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। लुत्फी, नालंदा, विषय उर्दू। आपने अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से उर्दू विषय में स्नातक शिक्षा प्राप्त की है। विक्की कुमार, जिला मुजफ्फरपुर, विषय है आपका इतिहास। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी छोड़कर आप बिहार में शिक्षक बनने आए हैं। यह तालियां इनके लिए समर्पित की जानी चाहिए, यह बिहार का बढ़ता कदम है। नीतीश कुमार रजक, जिला छपरा, विषय ललित कला। इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में मूर्ति कला में स्नातोत्तर की उपाधि आपने प्राप्त की है। श्री सुशील कुमार, जिला पूर्वी चंपारण, विषय मनोविज्ञान। 2011 में लोकप्रिय टीवी शो में कौन बनेगा करोड़पति में 5 लाख रुपए की राशि आपने जीती है और बिहार का गौरव बढ़ाया है। आप शिक्षक की भूमिका में आए हैं। रजनी कुमारी, पूर्वी चंपारण, विषय विज्ञान, मगध विश्वविद्यालय से वर्ष 2016-19 में जंतु विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। दीपिका कुमारी, जिला वैशाली, राजनीति शास्त्र में आपकी नियुक्ति हुई है। मगध विश्वविद्यालय से आपने राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अंकिता कुमारी, पटना, विषय विज्ञान, पटना विश्वविद्यालय से वर्ष 2015-16 में जंतु विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। सनोज रजक, औरंगाबाद से आते हैं, संगीत शिक्षक के रूप में आपकी बहाली हुई है। इंडियन आइडल में भी आपने प्रस्तुति दी है और सुर संग्राम में भी आपकी प्रस्तुति रही है। श्रीमती सोनल अग्रवाल, गणित विषय में आपकी नियुक्ति हुई है। आप तिरहुत से आते हैं और पूर्व में आप कंप्यूटर भुवनेश्वर में उड़ीसा में नौकरी करते थे। निधि भारती, जहानाबाद से आप आती हैं, सामाजिक विज्ञान में आपने नियुक्ति प्रदान की है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आपके कर कमलों के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान की जानी है। रीता कुमारी, पटना से आती हैं, विषय है इतिहास। इन्होंने इतिहास विषय में इग्नू से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। श्री सत्य प्रकाश किशन, रीता कुमारी के बाद श्री सत्य प्रकाश किशन। संस्कृत में आपकी बहाली हुई है। संस्कृत विषय में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री प्राप्त की है। पुष्पा कुमारी अरवल, विषय है आपका गणित। दीपक कुमार मलिक, जिला समस्तीपुर, संगीत शिक्षक के रूप में आपकी
नियुक्ति हुई है। अमित कुमार बेगूसराय, विषय है सामाजिक विज्ञान, स्काउट एंड गाइड में राज्यपाल के द्वारा आपने पुरस्कार प्रदान प्राप्त किया है। कुणाल, आप भोजपुर से आते हैं, गणित विज्ञान में आपकी नियुक्ति हुई है, वैशाली जिले के रहने वाले हैं और पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अब मैं मोहम्मद मंजीर अहसन, अरबी में बहाली हुई है, इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से एक बार फिर से इतिहास रचाए नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटकर। आप तस्वीरों में देख रहे थे, केबीसी के विनर रहे सुशील कुमार को नीतीश कुमार ने अपने हाथों नियुक्ति पत्र दिया है। इतना ही नहीं, कई और जो चयनित अभ्यर्थी थे जिन्हें नियुक्ति पत्र पटना में नीतीश और तेजस्वी के हाथों मिला है, साफ तौर पर नजर आ था कि वो पहले से कहीं और नौकरियों में कार्यरत थे। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक बने हैं, बिहार के स्कूली बच्चों को शिक्षा देंगे, नीतीश और तेजस्वी के हाथ नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।